और सीधे आपको ले चलते हैं उज्जैन में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के शुभारंभ के मौके पर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। आज एक नया इतिहास बन रहा है। वैसे तो मानव जीवन का ये हमारा अपना समय ना हमारे अपनी इच्छा से हम पैदा हो सकते हैं, ना हमारी अपनी इच्छा से हम शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन आने और जाने के क्रम में सबका समय भी नियत है। ना कोई वो समय बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, तो आने और जाने के समय का सदुपयोग करे तो उसको काल कहते हैं, और काल की नगरी में महाकाल वो आशीर्वाद देते हैं। तो हम अपना जीवन इस प्रकार से जिए कि प्रत्येक जीवन का क्षण क्षण हमारे हाथ में जो यश दिया है, परमात्मा उस यश में और यश की वृद्धि करे, हमको सफल करे, सुफल करे, और हमारे उद्दिष्ट जो हमारा ध्येय है उसकी प्राप्ति करे। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आज मंच पर उद्योग जगत के कौन से घराने के लोग नहीं हैं, मैं नाम देख रहा हूं, अदानी ग्रुप, जोरदार तालियां अदानी ग्रुप के लिए। मेरे एक तरह से अभिन्न मित्र प्रणव अदानी जी मेरे पास में बैठे हैं, सिंघानिया जेके सीमेंट वाले बैठे हैं, गुलाटी जी बैठे हैं, हमारे झुंझुनवाला जी हैं, पाहवा जी है, अग्रवाल जी है। अग्रवाल जी तो वाल्वो, आप क्या बात है, वाल्वो का, और अब तो ई बस ई ट्रक जिसकी पूरे दुनिया में डिमांड, और आपने कहा कि मैं भारत में और भारत के बाहर जाकर भी लगातार जिस ढंग से हमारे एमटीएच के मसाले विज्ञापन हम देखते ही हैं, जोरदार अभिनंदन करें आपके पास में सारे के सारे, और अपने देश के बाहर के भी। देखो ना, अमेरिका के हमारे वाणिज्य दूतावास में काम करने वाले अधिकारी कितनी अच्छी हिंदी बोल करके व्यापार व्यवसाय के अवसर ढूंढ रहे हैं, एक बार उनका भी अभिनंदन करें। जब मेरे से मिलने आए पहली बार मैं बड़ा संकोच में था, लेकिन जब आपने हिंदी में शुरुआत की तो मुझे भी लगा कि बात बिल्कुल सही है, और आपने कहा कि अपने इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर हम वो सारे चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से परस्पर आत्मीयता भी बने और जो मूल हमारा काम है उसकी सफलता भी मिले। कल सिंगापुर के मेरे एक अच्छे वाणिज्य दूतावास के अपने राजदूत आए थे, उनसे मिलना हुआ, उनके साथ बाकी लोग आए। जब अनुकूलता बनती है, अच्छा होता है, परमात्मा यश देता है। और हमारा तो अपने भारत का इतिहास, ये ध्येयवाक्य के अलग अलग धर्मों ने अलग अलग प्रकार से इसको अपनाया, लेकिन वो मूल ध्येयवाक्य के जियो और जीने दो। लेकिन जियो और जीने दो में हम अपनी इतनी बड़ा दिल रख के चलते हैं कि इस पूरी समूची पृथ्वी को वसुदेव कुटुंबकम की तरह जानते हैं, कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, हम सबसे प्रेम करना जानते हैं। और प्रेम का पहला आधार परस्पर आत्मीयता, भाईचारा, एक दूसरे को लेके चलने का अवसर खोजना, और उस अवसर खोजने में एक दूसरे का साथ देने में अर्थव्यवस्था के बिना काम नहीं चलता है। और अर्थ में समर्थ हो जाए तो संसार उसी में से सृष्टि की एक नई कोपल फूटता दिखता है, और जब कोपल फूटती दिखती है हमको ध्यान में आता है, तो ये जो वर्तमान का दौर है हम सब देख रहे हैं, अभी दुनिया एक तरह से दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ दुनिया कैसी जा रही है, एक ही देश के दो हिस्से हुए बाद में, रूस और यूक्रेन। धन वैभव संपदा में वो रूस कोई कमजोर नहीं था, लेकिन मूल थाट थी अंदर की जो आत्मीयता और एक दूसरे को दबाने का जो भाव जब चढ़ता है, अपनी कई कई कारणों से अपने बहुत सारे बात के जब डेवलपमेंट होते हैं तो बिना बात के भी एक दूसरे से दूरियां होती जाती। ऐसे समय में रूस यूक्रेन देख लो और भी अलग अलग देश देख लो, ताकत के भरोसे से आप सबको अपने पास दबा लोगे, परस्पर लड़ाई झगड़ा चालू होता है, तो निश्चित रूप से हमारे यहां से ऐसा कहा जाता कि जिस घर में झगड़े हो लक्ष्मी जी कभी पसंद नहीं करती वहां रहना, लक्ष्मी जी का निवास वही हो सकता है जहां परस्पर शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, स्नेह हो। तो हमारे पास यह आदिकाल का अपना एक सिद्धांत तो हो सकता है,
लेकिन काल के प्रवाह में ये सारी व्यवस्थाओं के लिए जो चलाने के लिए तंत्र की आवश्यकता पड़ती, जिसको शासन तंत्र या प्रशासन तंत्र कहते हैं। मैं आज ये इस स्थान पर बैठ करके वो बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे तो अतीत के काल के उदाहरण भी ऐसे ही है, उन उदाहरणों के बारे में ठीक से जानकारी दे दें तो मजा आएगा। जैसे विक्रम संवत की शुरुआत जो होती है, हमारे यहां तो सन की शुरुआत भी होती है, तो वो कैसे होती है और काय के लिए होती है आप बताओ। विक्रमादित्य ने बड़ा पराक्रम से शासन खड़ा कर लिया, ताकत के बलबूते पर व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल खड़ा कर दिया, लेकिन प्रशासन के साथ जनता को खड़ा करने के लिए, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उनने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि उनके पूरे उनके प्रशासकीय क्षेत्र में, पूरे भूभाग में सबका कर्जा अपने पास से माफ कर दिया। जिसके पास इतना सामर्थ्य हो कि जो वो सबका, हमारे यहां संवत की प्रारंभ करने की अधिकार किसको है, उन्हीं को है। इसलिए विक्रम संवत जब प्रारंभ किया उनने कहा कि जिस जिसके ऊपर भी कर्जा है सब अपने बही खाते लेकर के आ जाओ, और सारे लोगों का कर्जा उनने अपने एक झटके से अपने कोष से उठा के दान करते हुए सबको माफ कर दिया, तो कोई कर्जदार नहीं हो। उसके बाद ये तो हुआ कर्जा माफ करने वाला घटनाक्रम, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती। उनने कहा अभी तो कर्जा माफ करा, इतना नहीं, तब भी संवत चलाने का अधिकारी वो नहीं हो सकता। फिर उनने कहा अब हमको काम धंधा फिर चलाना है, तो कर्जे में चला गया वो तो पुराना, अब कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने कहा यही तो बात है, अब उतना ही धन और भी दिया कि बिना ब्याज के आप अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ करें, अच्छे से चला लें, जिसके पास इतना धन हो। हमारे यहां उसके नाम से संवत होता है, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए विक्रम संवत जो प्रवर्तन करता है, अपन कल्पना कर सकते कि कोई कितना धनी होगा, लेकिन धनी होने से बड़ी भावना क्या है कि शासनकर्ता का उदार मना होना भी जरूरी है। उसका इतना क्लियर थॉट होना चाहिए कि ये शासन की व्यवस्थाओं के साथ इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब तक शासन के प्रशासक का मन नहीं होगा, व्यवस्था कभी सुव्यवस्था में नहीं बदल सकती। इसलिए ये व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था में अभी अपन बात करेंगे तो ये विंडो पे जाते ही हर कोई चाहता कि मैं अपना काम धंधा बढ़ाऊं, कौन चाहता कि नहीं बढ़ाऊं, लेकिन काम धंधा बढ़ाते बढ़ाते दिमाग आता कि सरकारी चक्कर लगा लगा के भैया धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और धंधा बढ़ने के लिए जो जरूरी चीज क्या होती है कि बीच की जो अलग अलग कड़ियां हैं, इन कड़ियों की अनुकूलता होना चाहिए। इनके साथ जब हम खड़े दिखाई देते हैं तो शासन का कोई भी तंत्र अगर शुद्ध मन से, वो भी तो इतना खराब नहीं, लेकिन खराब होने में कई सारी बीच की जो कई कमियां हो जाती, कई सारी गड़बड़ियां हो जाती है। लेकिन माननीय मोदी जी के लिए अभिनंदन करो, आप वर्तमान के दौर में जिनने भारत को कहां ले जाके खड़ा करा, हमारे अपने देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते कर नई व्यवस्थाओं के लिए। तो भारत के मामले में क्या होता था, भारत के मामले में आम तौर पर सारे वो उपमाएं जिसके कारण से हम लज्जित हो सकते थे, भारत मतलब भयंकर भ्रष्ट देश, भारत मतलब आलसी देश, भारतवासी ऐसे वैसे, पता नहीं कितनी भारत का, ये मोदी जी का काल नहीं, थोड़ा से आजादी के टाइम की बात कर लें, अन्यथा क्या कारण है, देश आजाद हुआ था तो हमारे डॉलर की और रुपये की कीमत बराबर थी, क्या अंतर था उसमें, लेकिन काल के प्रवाह में हम पिछड़ते गए पिछड़ते गए। आज हमारा एक रुपया एक डॉलर की तुलना में कहां खड़ा है, लेकिन वो बातों का जवाब उल्टे ढंग से भी ले लो, आज काल के प्रवाह में हमारी अर्थव्यवस्था मोदी जी के समय 11वें नंबर पे थी, लेकिन केवल 10 साल के कम समय में आज 5वें नंबर पे आई के नहीं आई, ये व्यवस्था का बदलाव आया। डिजिटल जितने प्रकार के इनोवेशन किए हैं, आज आप जो व्यवस्थाओं के बलबूते पे चलने की बात, अभी हमने इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, इसलिए हमने कहा कि ये हमने अच्छी बात है, पहले एक समिट होती थी इंदौर में हो जाएगी और कहीं हो जाएगी, लेकिन इसको रीजनल लेवल पे भी कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और उस बड़ी व्यवस्थाओं के आधार पर आज यहां कर रहे हैं, कल जबलपुर करेंगे, रीवा करेंगे, ग्वालियर करेंगे, और करने के लिए केवल कर्मकांड नहीं करेंगे, करने के साथ यहीं से भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे ताकि हमारे काम का आधार दिखाई दे, हमने जो किया है उसको दिखना भी तो चाहिए, सामने भी तो आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 1,00,000 करोड़ का व्यवसाय का आज ये इतिहास बन रहा अपने इस समिट में, ये 2 दिन का बड़ा परिणाम। और इसके अलावा भी मैं जो देख रहा था,
कि लगातार हम जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, आज जो किया गया है लगभग हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुर 10,000 करोड़ की लागत से 57 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष, ये अपने आप में बड़ी बात। लेकिन फिर भी अपन अगर देखें तो हम ये इसके अलावा भी 250 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन कर रहे हैं। अभिनंदन करें अपने इस नए अभियान के लिए, 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन भले ही कर रहे हैं लेकिन इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि कोई काम कर रहे हैं तो उसका यश कैसे मिलेगा, उसका लाभ कैसे मिलेगा। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे अपने अडानी जी का, आपने अभी अपने भाषण में कहा कि उनने 75,000 करोड़ का निवेश की अपने इसी समिट में घोषणा की है। एक बार मैं आपका प्रणव जी आपका भी अभिनंदन करना चाहूं, लेकिन यहां मंच पे बैठूंगा और बात करूंगा तो कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा है, अब तो यह पड़ रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है, बाकी सब तो ठीक ही ठीक है। सिंघानिया जी कह रहे आप टाइम दो, मैं भूमि पूजन कराऊंगा पन्ना में चल करके। अगर आनंद बांगड़ जी बैठे उनसे पूछो, वो अपनी अलग इंडस्ट्री के लिए टाइम ले रहे हैं। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि बजाय मेरे जो हमारे नेतागण या जो प्रमुख कहीं ना कहीं हमारे अपने व्यवस्थाओं से जुड़े, हमारी राजनीतिक दृष्टि से मान चल सकते, जिनका अपने अपने क्षेत्र में पहचान है, उनको जोड़ ले, लेकिन हम और आप मिलकर के टारगेट करें आज से लेके कल तक। मेरी सीएस यहां बैठी है, पीएस बैठे, सारे अधिकारी गण यहां आए, हमारे ये जो अभी जो प्रयोग किया है, इस प्रयोग को सफल करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि बातें कम और काम, ये जो होने की तैयारी के लिए जो मूल मंत्र है, मैं मुझे लगता है कि आज से लेके कल तक जब हमारा एक पड़ाव हासिल करेंगे तो कल तक हम काफी बिजनेस करेंगे। इस अवसर पर मैं पूरे देश से आए हुए सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूं, उद्योग जगत की सभी हस्तियों का स्वागत करता हूं। यहाँ का विधायक होने के नाते से, सरकार का मुख्यमंत्री बनने कारण से मेरी डबल भूमिका है, आपको कोई असुविधा हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे ऐसे बड़े बड़े आयोजन होना चाहिए जिनके माध्यम से वो किए गए कामों के कारण से जाने जाए। हमारी सुविधा असुविधा में थोड़े कष्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी आनंद है कि काल के प्रवाह में इस देश के ऊपर जब भी कष्ट आया तो अपने उद्योग जगत के एक कोई भामाशाह भी होते हैं जो महाराणा प्रताप का सिर नीचे झुकाने नहीं देते हैं और देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ धन देकर के देश का गौरव बढ़ाते हैं। ये उद्योग जगत का ऐसे कई गौरव के क्षण हमको सदैव अतीत के काल से मिलते आए हैं। मैं आज आपके भरोसे से निश्चित बोल सकता हूं कि दुनिया जब हमारी तरफ देख रही है तो दुनिया की आबादी भले हो सकती है, हम सब जानते हैं 7 अरब 8 अरब के आसपास, लेकिन उसमें 142 करोड़ लोगों का जो योगदान है, उस 142 करोड़ के योगदान में हमारा औद्योगिक घराना यद्यपि बहुत छोटा सा है, लेकिन आज दुनिया जब 3% की दर से हांफ रही है औद्योगिक जगत की, आज हमारी अपनी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि परमात्मा ने जो हमको यश दिया है उस यश को हम धारण करें। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए पूरे विभाग को, सरकार के सभी मंत्रालयों को, सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहने में नहीं पर करने में विश्वास रखते हैं और यकीनन उनके शब्द सभी को प्रेरित करेंगे सामूहिक रूप से एक उज्ज्वल कल के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुनील चौंडिया जी को, पास्ट चेयरमैन सीआईआई वेस्टर्न रीजन और चेयरमैन राजरतन ग्लोबल वायर की, धन्यवाद प्रस्ताव आप रखें।